नमस्कार दोस्तों, परिणाम फिर में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आपके सामने हम लेके आए फिर से एक बार। यूपी पुलिस 2024, ये इस समय काफी चर्चा में चल रहा है। यूपी पुलिस इस बार बहुत बड़ी एक वैकेंसी आई है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बना है एज। एज का क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस मतलब किस मिनिमम एज से मैक्सिमम कब तक कितने एज वाले छात्र जो है इसमें शामिल होंगे, पेपर को दे सकेंगे, पेपर में सम्मिलित हो सकेंगे। सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात तो ये है। इसी पे अभी हाल ही में जो हमारे कुछ दिन पहले जब डेट आया था कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्देश आया था कि मिनिमम जो हमारा एज का क्राइटेरिया होगा 18 साल होगा, मैक्सिमम जो है ये कैटेगरी के ऊपर बेस्ड रहेगा, डिपेंड ऑन कैटेगरी। जैसे जनरल का मिनिमम 18 साल होगा, मिनिमम सभी का 18 साल है। जनरल का क्या था, 22 साल था। ओबीसी और एससी एसटी का 5 साल एज रिलैक्सेशन मिला था, जबकि जनरल को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था। तो इसी पे अभी कुछ दिन में काफी ज्यादा विवाद हुआ कि ये गलत है। ओबीसी वाले एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिली है, ठीक बात है, अच्छी बात है। क्या जनरल वाले बच्चे बच्चे नहीं थे, क्या जनरल वाले ओवर एज नहीं हुए, सिर्फ एससी एसटी या ओबीसी वाले ही ओवर एज हुए? तो इसी पे बहुत ज्यादा एक चर्चा चली, बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन हुआ। तो हमारे फिर से एक नया निर्देश आया है, जैसा आप लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ी। इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा, कंफ्यूज होंगे क्या इसमें क्या सत्यता है, क्या ये चीजें सत्य हैं। आयु सीमा बढ़ी है, अगर बढ़ी है तो ओबीसी एससी एसटी का पहले ही बढ़ा था, क्या इसमें जनरल भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो सबसे मुद्दे की बात यह है। तो ये जो है आयु सीमा बढ़ी, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारी जो एज बढ़ी है, एज रिलैक्सेशन मिला है, जनरल वालों को भी मिला है, और ओबीसी एससी एसटी का जो हमारा एज रिलैक्सेशन था वो भी है, जो था कुछ कम ज्यादा ये रिड्यूस या इंक्रीज हुआ है, बट मिली सबको है इस बार। अब जो नया है, अब जैसे पोस्ट हमारा क्या है, बहुत बड़ी वैकेंसी है ये आपको पता होगा, ठीक है। पोस्ट इसमें कितना है, 60,244 पोस्ट है। इतना बड़ा पोस्ट बहुत मायने रखता है, ठीक। कितना पोस्ट है, 60,244 पोस्ट, ठीक। अप्लाई कब से करना है, इसको अप्लाई करने का हमारा डेट क्या होगा इसमें, तो अप्लाई का डेट है 27/12/2023 से 16/1/2024। क्या डेट है, 27/12/2023 से 16/1/2024 तक, ठीक। ज्यादा दिन का समय इसमें नहीं दिया गया है आपको फॉर्म फिल करने का, क्योंकि इतने दिन में ही बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ जाएंगे और एग्जाम जो हमारा बहुत जल्दी कंडक्ट करवाने वाले हैं, बहुत जल्दी एग्जाम होगा क्योंकि आगे क्या है, चुनाव, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, 27 तारीख यानी आज से ही 16/1/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आज अभी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जब भी लिंक एक्टिवेट हो तो जब भी आप देखें तुरंत क्या करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। आप 16 तक का वेट ना करिए, या लास्ट का ये ना करिए कि मैं अभी भर लूंगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 16 तक है ना, तो मैं 12 को भर लूंगा या 10 को भर लूंगा, ये सब कोई मतलब बहाना ना करिए। करिए क्या कि ये 27 से आज से फॉर्म स्टार्ट हुआ भरना, तो आप तुरंत फटाक से फॉर्म भरिए सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एज की, एज क्या होने वाला है। तो एज हमारा क्या होगा, मेल का जो एज है, मेल का मिनिमम एज है हमारा 18 साल। मिनिमम एज क्या है, 18 साल। मैक्सिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है, 25 साल। अभी इसके पहले 22 साल था, 18 से 22 था जनरल का, और एससी एसटी और ओबीसी वालों का 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला, 5-5 साल की छूट मिली थी उनको कि वो 22 से 27 तक फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि मेल में मिनिमम क्राइटेरिया हमारा 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। कोई इसमें इस बार ये क्राइटेरिया नहीं हुआ है कास्ट वाइज कि एससी का कितना होगा, एसटी का कितना होगा, जनरल का कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, 18 से 25 है तो है। अगर आप मेल हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे आप एसटी हैं, चाहे आप जनरल, चाहे आप ओबीसी हैं, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। 18 से 25 आपकी एज है, कोई भी हो। अब बात करते हैं फीमेल की, इसी में
फीमेल, फीमेल का क्या होने वाला है? तो फीमेल का क्या है? फीमेल का मिनिमम मिनिमम एज जो है 18 साल है इनका भी, 18 साल। और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम क्या है? 28 साल। ठीक, ये याद रखिए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। किसका है? ये फीमेल का है। अभी इसमें फीमेल भी ये मैटर नहीं करता, ये एससी है कि ये क्या है, एससी है, ये एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी हो, ईडब्ल्यूएस, ये सब कुछ मैटर नहीं कर रहा है। बस मैटर ये करता है कि आप फीमेल हैं तो 18 से 28, मेल है तो 18 से 25। ये आया है क्या हमारा एज रिलेक्सेशन? कहने का मतलब इस बार 18 से 22 होता था हमारा एज इसमें, तो एज रिलेक्सेशन हमको मिला कितना कह सकते हैं आप कि इन सभी में एज में जो है हमारा, एज में जो है 3 साल का छूट मिला है। एज रिलैक्सेशन हमारा 3 साल जो हमारा 3 साल का है, 3 साल हमारी आयु में छूट मिली है हमको सभी को। अब 18 से 22 हो गया, 18 से 25 हो गया है, 3 साल बढ़ा है, जनरल का भी, एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी, सभी का। ठीक, अब बात करते एग्जाम कब होगा, मुद्दा तो यह एग्जाम होगा कब। तो एग्जाम अभी संभावित है, कोई डेट निर्धारित नहीं है। संभावित कब है? फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में एग्जाम इसका क्या है, संभावित है, कंडक्ट कराया जा सकता है फरवरी में। अभी डेट कोई निर्धारित नहीं कब होगा फरवरी में, बस इतना बताया गया संभावित है कि फरवरी 2024 में कंडक्ट कराएंगे, करा सकते हैं। ठीक, तो फरवरी 2024 ही मान के चलिए, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक का एग्जाम होगा, ये भी निर्धारित नहीं, बस इतना समझिए फरवरी में है। आप 1 फरवरी मान के एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करिए, फोकस रहिए, वेल प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, तो फरवरी 2024 को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये समझिए कि 1 फरवरी 2024 मेरा पेपर है, इस हिसाब से पढ़िए, इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि क्या हो फरवरी 2024 में आप एग्जाम दें। इतना सब चीजें आप समझ गए। अब बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ा सा देख लेते हल्के हल्के सिलेबस हमारा क्या है। सिलेबस में आएगा जीएस या जीके कह सकते हैं आप, ठीक है, जीएस या जीके, जीएस या जीके। उसके बाद जनरल हिंदी, जनरल हिंदी, इसके बाद मैथ, इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग। ठीक, ये हमारा सिलेबस है, जनरल मतलब जीएस जीके है, या जीके कहीं, जीएस कहीं, जीएस में भी स्टैटिक टाइप इसमें आएगा, जनरल हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, ये भी दिया गया है। इसमें क्या क्या पूछेगा? जीएस में केवल नहीं दिया गया, जीएस में क्या कहा कि पॉलिटी पूछेंगे, इकोनॉमी पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, ये सब चीजें पूछेंगे, करेंट भी है इसमें। ठीक है, ये सब चीजें शामिल है। अब मुद्दा ये है कि इसमें प्रश्न कितने कितने आएंगे, तो 150 नंबर का ये होगा हमारा पूरा पेपर, 150 मतलब प्रश्न, सॉरी 150 प्रश्न आएंगे इसमें, 300 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न, 2 मार्क्स का होंगे, 2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न होंगे इसमें। ठीक, चलिए, तो जीएस जीके हमारा जो है ये लगभग 38 क्वेश्चन आएगा, जीएस जीके में लगभग हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 38, 38 क्वेश्चन। जनरल हिंदी में लगभग 37 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में भी लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी लगभग 37 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब ये सब जो है ये संभावित है, मतलब अप्रोक्स का सिंबल है, ये अप्रोक्स लगा लेते हैं, 1 क्वेश्चन कहीं आगे, 1 क्वेश्चन कहीं पीछे, ये हमारा बढ़ घट सकता है इसमें। ठीक, यहाँ तक सब ये समझ में आएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आपको? अभी अब इसका डबल कर लीजिए, ये जो है हमारा 38 मार्क्स का जो 76 नंबर का पेपर होगा, ये 37 से 74 नंबर ये डबल होगा। टोटल हमारे जो है, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस होंगे 150, 300 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा हमारा। और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा हमारा, यहां लिख देते हैं बगल में, टाइम ड्यूरेशन हमारा क्या होगा,
टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 2 आवर्स ठीक। इतना चीज समझ रहे इसका आप लोग चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार समझ लीजिए चीजें क्या है ठीक। अब इस बार 60,244 पोस्ट आया है, बिल्कुल भी बहाना या कोई एक्सक्यूज मत दिखाइए अपने परिवार वालों को माता पिता को, ये मत कहिएगा कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि पापा इस वजह से मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जिसका होना है वो बच्चे 600 में भी सिलेक्शन लेंगे, जिसका होना है वो 60,000 में भी सिलेक्शन होंगे, जिसका नहीं हो रहा वो 6 लाख में भी सिलेक्शन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि फॉर्म जो पड़ता है हमारा लगभग 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख, कोई क्राइटेरिया नहीं कितना पड़ेगा, एवरेज लेके चलते 30-40 लाख 20-30-40 लाख का एवरेज हमारा होगा पड़ेगा लगभग फॉर्म। इस बार भी वही होगा, अगर मान लीजिए 30 लाख फॉर्म पड़ा है और 6 लाख पोस्ट कर दिए, 60,000 का 6 लाख पोस्ट कर, तब भी 6 लाख ही बच्चे होंगे, 30 लाख में 6 ही होंगे तो बच्चे कितने 24 लाख वाले बाहर जाएंगे। तो वो वाला एक्सक्यूज आप ना दीजिए इसमें कि नहीं 60,000 पोस्ट है इसमें तो हमको डाउट लग रहा है, अगर ये 6 लाख में तक मेरा हो जाता ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका 60,000 नहीं होगा 6 लाख में भी आपका नहीं होने वाला है, इसलिए वेल प्रिपेयर रहिए, अच्छे से फोकस करिए, मेहनत करिए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत इतिहास में बहुत बड़ी वैकेंसी है, इस बार हाथ से न जाए, हमारे टीम द्वारा आप जुड़े रहेंगे, जीएससी के भी यहाँ आपको क्लासेस डेली मिलेंगी, जनरल हिंदी की भी क्लासेस हमारे अनिल सर द्वारा दी जाएंगी, मैथ की क्लासेस आपको रोहन सर द्वारा मिलेंगी, रीजनिंग की क्लास मैं खुद पढ़ाऊंगा, जीएससी के हमारे जो है युवराज सर सत्यम सर जीएस हमारी गौरव सर पढ़ाएंगे और जीके जो है युवराज सर पढ़ाएंगे ठीक। सभी अनुभवी शिक्षक है हमारे इंस्टीट्यूट में, आप लोग जानते होंगे सबसे परिचित होंगे भली बात, एक एक पीछे हमारे इसमें अपने अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञ माहिर है, चीजें इन लोग के फंसते क्वेश्चन इन लोग के आते रहे एग्जाम में, फंसते क्वेश्चन जैसे पेट में भी अभी रीजनिंग का क्वेश्चन फंसा था, पेट में जीके का क्वेश्चन फंसा था हमारे इंस्टीट्यूट से, मैं मानता हूँ क्वेश्चन इस बार सिलेबस बहुत इधर उधर से आया था बट एक दो क्वेश्चन लगभग सभी सेगमेंट से फंसे, हिंदी से भी फंसा, मैथ से भी फंसा, रीजनिंग से भी फंसा, जीके से भी फंसा था। तो यूपी पुलिस की वैकेंसी जो हमारी, इसके लिए हमारी टीम बहुत जोर दौर से मेहनत कर रही है, लगी है आप लोग के लिए, तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करके पढ़िए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।